के ब्लॉग में हम बनाएंगे लौकी का हलवा। तो हम लौकी और कद्दू पहले के ब्लॉग में लेके आए थे खेड़ा से, तो उसी का हलवा बनाएंगे। और सिंपल है, चूल्हे में बनाएंगे। अगर आपको चूल्हे में केक कैसे बनाना है उसकी रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। और हमने चूल्हा रूम प्रिपेयर करा था कुछ टाइम पहले, तो वो कैसे बनाया था उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी तो वहाँ पर सामान रखा हुआ है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रखा है, तो वही बनाएंगे लौकी का हलवा। और सिंपल है, चूल्हे में ही बनाएंगे क्योंकि लौकी है जो है यहाँ की, उसमें पानी ज़्यादा होता है तो उसको सुखाने में बहुत टाइम लगता है, तो चूल्हे में ही ट्राई करेंगे बना के। और बस यही है, और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सनराइज हो चुका है, सनराइज दिख रहा है। आजकल यहाँ पे रोज धुंध रहती है, नीचे पश्चिमी नयार रिवर है फिर पूरा धुंध। वहाँ दिखती है रिवर इधर से पश्चिमी नयार, जियो का टावर लगा है, ये डैंगन का पेड़ है। छाया हो रखी है हीरो गांव में, वहीं वहीं पे बादल आ रहे थे। हमारे घर के पीछे के तो सुबह हो रही है, सनराइज हुआ है तो सब अपना काम कर रहे हैं, चाचा जी भी काम कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग और बनाते हैं लौकी का हलवा। तो ये लौकी है जो हमारे खेत में लगी थी, उसका हम हलवा बनाएंगे। ऐसी दिखती है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करा है, ऑर्गेनिकली ग्रोन है। तो लौकी का हलवा बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें लौकी को छीलना है और फिर कद्दूकस कर लेना है, पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है उसके, और वैसे ही उसको फिर भून लेना है और हलवा बना देंगे। तो अभी तो सबसे पहली प्रोसेस यही है कि लौकी को कद्दूकस करना है और छीलना है। तो ये दो लौकी रखी है तो इसे ही हम कद्दूकस करते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस ये है कि हमें लौकी को छीलना है और फिर कद्दूकस कर लेना है, पानी उसका हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सूख जाएगा हल्दी में। तो इस तरह से लौकी को काट के छील लेना है, अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। अब हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है, अब हम इससे हलवा बनाएंगे। लौकी का हलवा बनाने के लिए पहले हम कुकर में एक बड़ा चम्मच घी डाल लेंगे। तो जैसे अभी हम चूल्हे में लौकी का हलवा बना रहे हैं तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन कर ली है, पर सबसे बड़ी टास्क होती है कि चूल्हा जलाना। तो पहले क्या होता था, क्याड़ा होता था, उससे इजीली चूल्हा जल जाता था। तो हमारे यहाँ तो क्याड़ा यूज़ करते हैं हम आग जलाने के लिए, तो पहले होता था, आजकल तो रहता नहीं है किसी के पास। तो लकड़ियाँ जो होती थी, एक किसी पेड़ की होती थी बारीक लकड़ियाँ, उनको हम पानी में डाल देते थे। तो हमारे यहाँ नीचे रिवर है उसमें डाल देते, तो फिर कुछ टाइम तक रहती थी वो, कुछ महीने तक, और उसके ऊपर की जो बार्क होती थी छाल वो लूज़ हो जाती थी, और बाद में उन लकड़ियों को फिर यहाँ ले आते थे और वो छाल निकाल देते थे। तो वो वाइट कलर की लकड़ी होती थी, उसको सुखाते थे और उससे बहुत इजीली आग लगाना इजी होता था। मतलब चूल्हे में अगर हम कुछ पका रहे हैं और आग जलानी है तो बहुत आसान होता था वो, तो पहले वो यूज़ करते थे। तो अभी वो नहीं है तो थोड़ा सा ये होता है कि अब कैसे जलाएँ, तो वो दिखाती हूँ मैं कैसे जलाते हैं। और वो जो छाल निकलती थी उससे रस्सी बनाते थे और मतलब ऐसे यूज़ कर लेते थे। मैं दिखाती हूँ चूल्हा, जैसे ये चूल्हा है तो ये हमारा कुकर तो चूल्हे वाला ही है, तो इसको हम नीचे से कुछ नहीं लगाते, इस पर राख वगैरह चूल्हे का ही है तो उस पर ही रहता है। तो यहाँ पे पहले क्या करते थे, क्याड़ा लगा देते थे और उससे ईजिली आग जल जाती थी। तो अभी मैंने ऐसी झोपड़ी, तो मुझे आता नहीं, फिर झोपड़ी सी बना ली है मैंने ऐसी। अब इस पर आग लगाएंगे और ये देखते हैं जलने लगेगी। इसे लगानी है झोपड़ी टाइप की बनाते हैं और फिर उसके नीचे कागज़ डाल देते हैं और ऐसे
पतली लकड़ियाँ रखनी है और उससे आग जली जाएगी थोड़ी देर में। पर कागज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो अगर क्याड़ा होता तो ये बहुत ईजीली हो जाता काम। तो आजकल हम इस तरह की बार्क यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा सा पतला इसको बारीक बारीक कर दो और फिर कट जाता है। देखते हैं, अभी स्टार्ट तो हो गई है, जल जाएगी। आग तो जलने लगी है, तो अभी मुझे जितना अब तक समझ आया है वो है कि झोपड़ी टाइप की बनाओ और फिर उसमें नीचे से यहाँ से लगाओ, तो ये इजीली पूरा ये जल जाता है सही से, चूल्हा मतलब सही से जल जाता है। तो ये बार्क है, मतलब छाल है पेड़ की, इसको भी यूज़ करते हैं हम आजकल, तो इसको भी लगा दो तो ये जल्दी जलता है, मतलब ठीक ही जलता है। एक बार अंगारे बन जाते हैं तब तो ईजीली हो जाता है, अंगारे बनना मेन है, तो वो जब तक बनेगा। तो इस तरीके से आग जला लेनी है और अब हम हलवा बनाएंगे। आग अच्छे से जलने लगी है, इसमें हम कुकर रख देंगे, घी पिघल जाएगा। जब घी पिघल जाएगा तब हम इसमें लौकी, कसी हुई लौकी डालेंगे। अब घी गर्म हो चुका है, इसमें हम लौकी डालेंगे। अब हमने इसमें लौकी डाल दी है, अब हम इसे थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। भुनेगा, इसमें पानी है तो इसको ढक्कन मत लगा देना, इसको बस ओपन में ऐसे ही सुखाना है, और जब एकदम सूख जाएगा तब तक इस पकाना होता है। तो अभी पहला स्टेप तो ये है कि घी के साथ इसको थोड़ा भूनना है, उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो अभी तो ये सॉफ्ट है, इसको हाँ कई लोग मावा भी डालते हैं, तो गाजर के हलवे की तरह बनाना है इसे। तो हम तो दूध ही डाल रहे हैं, आप चाहो तो मावा भी डाल सकते हो। तो इसे अभी 10 मिनट ऐसे ही भूनेंगे घी के साथ, और ये पानी छोड़ने लगी है लौकी, और फिर इसमें हम दूध डाल के इसको पकने देंगे। तो जैसे अभी हलवा बन रहा है, तो लौकी का हलवा बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, जैसे गाजर का हलवा बनने में टाइम लगता है। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे और उसके बाद इसको पकने देंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक ये सूख नहीं जाता। तो दूध डालने के थोड़ी देर बाद हम चीनी डालेंगे, और फिर जैसे गाजर के हलवे में डालते हैं उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना क्या क्या कितना डालना है। तो ड्राई फ्रूट्स तो नहीं है अभी, तो देखते हैं अभी। और मैं एक कटोरी इसमें मलाई भी डाल रही हूँ, तो इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल रेसिपी है ये। अब ये इस तरीके से होने लगा है, इसमें हम दूध डाल देंगे और इसे पकाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जितना आप दूध डालना चाहते हो डाल सकते हो, मैं यहाँ आधा लीटर करीब दूध डाल रही हूँ। अब बस अब इसको पूरा सुखाना है, ढक्कन नहीं लगाना है, और ऐसे ही इसको पूरा अच्छे से सुखा लेना है। अभी जब ये आधा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डाल देंगे, तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कितनी डालनी है। हाँ, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर जब आप चूल्हे में बना रहे हो हलवा, तो कई बार क्या होता है आग बुझ जाती है, तो हम इससे बस तोले होता है ये, इससे फूंक मारते हैं इसमें ताकि आग सही से जले। तो इससे ना जो है इसका ऐश उड़ के इसमें जा रहा था, तो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, आता है फिर उससे, तो ऐसे भी हो जाता है कई बार। तो अब इसे पकने देना है और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो ये इस तरह से उबलने लगेगा, बस हमें इसको सुखाना है, ये ऐसे उबलने लगेगा और घुमा लेना है बीच बीच में और सुखाना है इसे। अभी थोड़ी देर बाद तो हम घुमा लेंगे, अभी भी इसमें सूखा नहीं है ये, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसे बनने में, इसलिए चूल्हे में बनाना सही है। अब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे ताकि सब साथ में ही पक जाए, और एक कटोरी मलाई भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से चीनी और मलाई डाल लेना, बस अब इसे पकने देंगे। अब इसे सुखाना है, तो जब सूखने लगेगा तब दिखाऊंगी मैं। तो अब हलवा सूखने लगा है, कलर भी चेंज हो गया है इसका, थोड़ा बहुत पानी है। अब इसे हमें देखते रहना है और पकाते रहना है। तो आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, और मलाई चाहो तो इस टाइम भी डाल सकते हो, मैंने पहले ही डाल दी थी। तो अब इसको पकाना है थोड़ी देर और, अभी मतलब घी छोड़ने लगा है,
ऐसे घी छोड़ने लगता है क्योंकि हमने मलाई भी डाल रखी है ना इसमें, तो इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। बस थोड़ी देर और पकाएंगे और ये बन जाएगा। ऐसा दिख रहा है, तो लौकी का हलवा बन के रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ फ़ोटो लेने आई थी, धूप में अच्छी आती है। तो आप सब भी बनाइएगा लौकी का हलवा, सिंपल रेसिपी है तो ट्राई कर सकते हैं। गांव में बनाना हो तो अच्छे से बन जाती है। सामने का व्यू दिखाती हूँ अभी, सामने आज धूप बहुत तेज है। ये धूप है तो ये लौकी का हलवा बन के रेडी हो गया है इस तरीके से। तो मम्मी ने इसमें फ्लेवर के लिए सिनेमन स्टिक डाली थी, मतलब दालचीनी की डंडी। आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, और नहीं भी डालो तब भी चल जाएगा। तो ये अब रेडी हो चुका है।